अरे शुरू करता हूँ भाई, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा आपके लिए। भैया मेरी बात सुन लो, एक फर्रा हाथ में लेके आया हूँ, उल्टा मैं भी कितना कंफ्यूज हो जाता हूँ, उल्टा पर्चा दिखा दिया, सीधा पर्चा दिखाऊंगा आपको, इसमें ऐसे ले जाके दिखाऊंगा। ये जो ससुरे बोल रहे थे, ए बहुत बढ़िया खबर आपको बता। अरे भैया हम ऐसे क्यों है बोल रहे हैं, कह दूं तुम, ये देखिए शशि कपूर साहब हैं, ये हीरोइन का हमको पता नहीं है, हम तो शाहिद कपूर समझे थे। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, ये शाहरुख खान कहां से आ गया बीच में, ना मुन्ना ना। अब आगे की बात समझते हैं, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की बात। अब आप सोच रहे होंगे ये तरकीब काहे सर ने बदल दी, क्योंकि कुछ जमूरे आ गए हैं, उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा, ये उनकी सूचना दे रहे हो आप। अबे भैया जो पता चला, चाहे उनको पता चला चाहे हमको पता चला, किसी को पता चला तुझको तो बता दिया ना, किसी दूसरे का नाम बदनाम क्यों करता है कमेंट करके, सूतिए। ये सर सूतिया क्या होता है, ये भूतिया का भाई होता है बेटा, तू नहीं समझेगा। अभी आगे की बात ध्यान से समझिए, अब ये वाला भी खोद के देख लेना जो बता रहा हूं ना मैं, अभी आज जो बता रहा हूं ये भी देख लेना, किसी ग्रुप में कहीं कुछ पड़ा हुआ हो, तूने देख लिया हो, वहां लिख रहा था सर। अबे लिख रहा तो लिखने दे, आज मैं बता रहा हूं, अभी देख जो बता रहा हूं, कल के अखबार जो परसों रात को बताया था, कल रात को जो सूचना दी थी आरओ एआरओ वाली, आज का अखबार उठा के देख ले भाई, वही सूचना है। अधियाचन मिलने के बावजूद, और यह सूचना मुझे कब मिली थी, कैसे मिली थी, सबूत लेके आ रहा हूं साथ, विधि से काम किया है। आगे की बात सुनो, नई खबर है, बिना इंटरव्यू वाली पोस्ट का नाम भी बताऊंगा, चैनल आप पहले सब्सक्राइब कर लो, बिना इंटरव्यू वाली 20 पोस्ट, 20 पद लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश 2023 की परीक्षा में बढ़ेंगे, एक ही पद है, नॉन इंटरव्यू पोस्ट है, पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको। और वो जो भैया थे, वो कैमरे के पास ले जा रहा हूं मैं, शायद दिख जाए, नहीं दिख रहा है, ओ यहां से दिखेगा क्या, हाँ यहां से कुछ दिख रहा है, ठीक है ये लीजिए, थोड़ा और पास, नहीं दिख रहा है, इस पे वाइट आ रहा है, ये तो बड़ा भी नहीं कर सकता, ये आरटीआई है, जिस आरटीआई का हवाला दे रहे थे वो लोग, जो आज के अखबार में दी गई है, आप देख लें उसे उठा के, ये वही आरटीआई है जिस आरटीआई में आयोग ने माना था कि इतने पदों का अध्याचन या पदों का अध्याचन आयोग को प्राप्त हुआ है। इस आरटीआई में फोन नंबर भी पढ़ लो, अगर पढ़ सकते हो तो, दिख जाए तुम्हें तो, इसका पीडीएफ मैंने बहुत सारे बच्चों को प्रेसेस किया, हर एक में, हर एक ग्रुप में ये फैली हुई थी, ये तुम्हारे भैया का, जो भैया इस समय खड़े हैं उन्हीं का फोन नंबर है ये, बस करेंगे धरेंगे कुछ। एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, पढ़ाई की वीडियो वायरल नहीं होती, आपको ज्ञान दिया होगा, नॉलेज दी होगी, पढ़ाया होगा, हिस्ट्री का कोई टॉपिक, ज्योग्राफी का कोई टॉपिक वायरल नहीं होती, आके कोई ड्रामा कर दिया किसी के बारे में कुछ, नो भगवान बुद्ध से नहीं थे, उन्होंने कहा है हम 140 करोड़ हेमोसेपियंस में से एक हैं, ना मुन्ना 140 करोड़ तो भारत के हैं, डाटा भी गलत बता दिया पेपर में, डाटा यही वाला लिखिया, नंगा घूमेगा नंगा, वो रील्स नहीं देखनी है मुन्ना, वो काम नहीं करना है, वो रील्स बनी ही तुझे बर्बाद करने के लिए हैं। इतनी बड़ा यूनिवर्स, ये कौन से पेपर में आएगा भाई, यूपीएससी का कौन सा टॉपिक है ये तुझे और तेरे समाज को बर्बाद करने के लिए एक दूसरे से विद्रोह सिखाया जा रहा है। जय श्री राम वालों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जय भीम से, किसी जय भीम से मैं बोलता हूं, लाओ मैं ब्राह्मण हूं, मैं बोलता हूं जय भीम, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, केवल तुम्हें फिर शिक्षा से दूर किया जा रहा है। वो आदमी जो बोल रहा है वो भी एक सवर्ण है,
वो फिर तुम्हें मेन मेन जो लीडिंग है, मेन जो शिक्षा की विचारधारा है, उससे फिर काट के, फिर कट लग करके तुम्हें मुख्य धारा से जोड़ने वाला जो रास्ता है उससे डाइवर्ट किया जा रहा है। इवन तुम्हारे नेता उसके लिए जिम्मेदार हैं। आरओ एआरओ की बात जरूर बता रहा हूं, लेकिन जो कमेंट सेक्शन में आ जाता ना कोई कोई नया मुर्गा, उसके लिए ये बातें हैं। तुम्हारा काम है पढ़ना, रील बनाना, रील देखना तुम्हारा काम नहीं है। पढ़ने लिखने वाली रील देखो, जहां आपको एक टॉपिक 3 सेकंड में या 10 सेकंड में समझा दिया जाए। महाभारत के अर्जुन तुम नहीं हो। जब महाभारत थी तब अर्जुन था, आज नई महाभारत है, वो केवल पढ़ाई लिखाई से चलेगी, बकवास करने से नहीं चलेगी। तो देखो दो लौट के आ जाता हूं भाई, मैं भी बहुत अच्छा बकैत हूं, आप मौका तो दो बकैती करने का। एक का तो नाम ही बकासुर रख दिया था मैंने। काम चल जाएगा, रोजी रोटी मिल जाएगी क्या उससे, उस बकैती को सुनने से? वो बकैती तुम्हारे लिए नहीं बनी है मेरे भाई, वो तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे समाज का समय 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 खराब कर रही है। 20 पोस्ट 20 पद लिख लो कहीं, नॉन इंटरव्यू पोस्ट है, कारागार विभाग से संबंधित, अध्याचन आयोग को पहुंच चुका है यूपीपीएससी 2023 के लिए, यूपीपीएससी 2023 के लिए 20 पोस्ट और बढ़ गई है। जब पहले सूचना दी थी 225 के करीब पोस्ट हैं, जिसमें एसडीएम और डीएसपी की पोस्ट भी शामिल है आज की तारीख में, प्लस 20 पोस्टों का अध्याचन और मिल गया है आयोग को। तो प्री के रिजल्ट से पहले ये पोस्ट भी शामिल हो जाएंगे, ये सभी पोस्ट नॉन इंटरव्यू पोस्ट शामिल किए गए हैं। किसी का कोई भी प्रश्न हो, तार्किक बात करनी हो, आप कमेंट सेक्शन में आ जाइए, मैं जवाब दूं। इस हीरोइन का नाम और बताना है आपको, राम मिले सबरी के वन में, झूठे बेर भी राम है, भारत का इतिहास बताते राणा शेर भी राम है। हैव अ नाइस डे, बाय।